अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक मैं लाई हूँ, आप लोगों बताओ क्या चीज है। आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे पापा जी की तीसरी रकेल। पापा जी ने मेरे को बेटी माने थे, ठीक है। तो देखो, मेरे पापा जी की लाइफ में फिर कोई आना चाहता था, वो चीज़ भी बताना जरूरी है। और दूसरी बात, ये कटेली का जरा मैंने बंद कर दी तो बहुत लोग को चला रही है। अब कटेली की फिर से अभी बारह शुरू कर देती हूँ मैं, और भी रिकॉर्डिंग्स है वो भी सुनाऊंगी, क्योंकि वो है ना चुप बैठने वाले लोग में से नहीं। तो सुनो आप लोग ये चीजें, और फोटो भी दिखाती हूँ। जी देखो, तो आप लोग ने एक रिकॉर्डिंग सुने हो, मैं ये लाइव नहीं जा रही, आज वीडियो बना रही हूँ बैठ के, ठीक है। दूसरी वाली भी सुनाती हूँ, वो भी सुनो। इन लोग को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है, लोग की चर्बी पिघा लूंगी और लोग की औकात इन लोग को बताऊंगी। बताना जरूरी है, जो करने का चल चल कर कर इसकी औकात, इसको बताना जरूरी है। अब ये सुनो सेकंड वाली रिकॉर्डिंग, लगेगी ना दी? हेलो, छह बज गए ना, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। अभी तो एक काले आई ना, एक मिनट की, तुमको बहुत अर्जेंट है। फिर अभी अर्जेंट मेरा, तुम देखो बोले ना, अरे आने का आने का, तो मैं अभी उतावला आने के लिए फिर से। ओके, देखती हूँ। आप बोले छह बजे आएगा करके, मैं तुमको छह बजे कॉल किया। वो तो आई पर कॉपी नहीं है, वो आई पर कॉपी थोड़ी, वो ऑनलाइन कंप्लीट है। वो तुम्हारा तुम्हारा तुमको तुम लोग को खुजली ज्यादा है। आप लोग जो कनाडा में पढ़ा लो, क्योंकि वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कनाडा में पढ़ा लिया मैंने, किससे पढ़ाने का था मेरे को, उसकी टेंशन नहीं, मेरे को बिना टेंशन नहीं। आई वॉन्ट टू कम टू बैंगलोर, कम टू मीट यू इन बैंगलोर, आई एम वेटिंग फॉर यू। नो प्रॉब्लम। कब कितने देर में आओ, कितना देर दू, कितना देर दू, तो देखो ये आप लोग ने सुने दूसरी रिकॉर्डिंग, इसको बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है, तो इसकी चर्बी फिर से अभी पिघल रही हूँ। क्यों मालूम है? एक चमची को इसने तैयार की है मेरे, फिर मेरे इमरान के, फिर मेरे बच्चों के, सबके बारे में बोल रही है। ये है तीसरी रिकॉर्डिंग, जो कि भाई साने बहुत तंग कर दिए थे, बता दे रही अफायर कॉपी, बता दे रही अफायर कॉपी। तो वो चीज देखो, ये कैसे बातों को टालती है ये औरत। अब इसकी असलियत सुनाई जाएगी, तो आप लोग सुन लो, क्योंकि इसको चढ़ी है चर्बी, पिघलना जरूरी है। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक आई नहीं पुलिस वाले तुम्हारी? एफआईआर तो कर दी बोले। जी बोले जाते हैं, थोड़ी फ्रीडम थोड़ी आएगी। आएगी, पहले आपको उधर अरेस्ट तो करने। तो अरेस्ट मैं तो बम्बई में ही ना, मैं कहा हूँ बम्बई से बात, थोड़ी बम्बई में जाऊँ। हम लोग थोड़े आके ढूंढने का है, नहीं ना। हाँ, एड्रेस तो है तुम्हारे पास, मेरा भेज दो ना। अभी मेरा भाई क्यों भेजो आपको, इतनी जल्दी है आपको करके, जब इधर फोन आएगा मेल तो सबको भेजना था, तो भेज के हो गए हैं। अरे वो मेल फटाक से जल्दी, फटाक से करने का ना प्रोसीजर, फटाफट करने का ना, फटाक से फटाफट। क्या मेरा पुलिस वाला मेरा बात है क्या? अरे तुम्हारी इतनी पहचान है, डीसीपी डीसीपी कमिश्नर विमिश्नर सब तुम्हारी जेब में रहते, फिर तो फटाफट काम होगा तुमका ना। मैं क्यों, मेरे जेब में क्यों रखूं, उनका काम वो करेंगे, कब करेंगे। लेकिन आप सब इतने से बोले क्या, अभी आएंगे, वेलकम टू बेंगलुरु, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या तुमने चैलेंज किया ना, क्या मैं तुमको जेल में डालूंगी, बेंगलुरु बुलाऊंगी।
अरे नहीं नहीं चैलेंज करने का क्या है, जो आपने किया है उसको क्या कुछ आप लोग जो किए हैं मेरे जात का बाल वाला नहीं होता इसको पसंद नहीं है, ये पहले तो सब चला रही थी रिकॉर्डिंग इसने ही चालू किया, आज इसको पसंद नहीं है। हाँ? इसके पास कुछ है नहीं तो कैसे चलाएगी ये। नहीं लगाती नहीं झूठ बोलती है, बात भी नहीं लगाती इतनी छुट्टी औरत है साली, इतनी झुट्टी है। देखो अभी से लास्ट में क्या बोलिए, मैं कॉन्फ्रेंस लगा रही हूँ, दो मिनट रुको, मैं ये नंबर से नहीं लगाती दूसरे नंबर से लगाती, पर इसकी फट गई नहीं लगाई, दूसरी रिकॉर्डिंग सुनो। हेलो हाँ बोल। मैं नहीं लगाती है कॉल, आपने बोला ना रिकॉर्डिंग है वो, मैं अभी बोलता लंड पे मेरे बेटा था, मैं उनको इसीलिए घर का एड्रेस समझी, और तेरे को भी बोलता हूँ खुजली है, 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 ख
स्टेशन का, ट्रेन पकड़ने के स्टेशन का। तो सुने आप लोग ने, अब तू क्या खडेली क्या चलाएगी, क्या बोल रही है उसको मेरे बारे में चलाने। देखो मालूम है ना, तेरी भी और तेरी जो है ना, जो मेरे पापा जी की रखेल, जो मेरे पापा जी को ओपन ओपन फोटो भेजती है, तो उसकी भी मैं तेरे को बताती हूँ, सुन ले। उसको तू मेरे बारे में वीडियो बनाने बोलती, उसको उसको मालूम है वो इंडिया की रहती, तो उसको बोलती है मेरे बारे में चलाने, एक बोल हूँ कर करके। हाँ तुझे क्या लगा, तुझे बकश दूंगी मैं, तो उसको मेरे नान में लगाएगी तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी। अभी तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अभी तो ये रिकॉर्डिंग मैंने सुनाई, मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग है, और कितनी मेरे भाई साहब से गाली सुनती है भैया, बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है तुझे, मुझे शर्म आती है एक लेडीज हो के तू इतनी गालियां सुनती है, लगेगी नाद में। तो सुन कटेली, देख मैं अभी उसको भाव नहीं देना चाहती, जिसको तूने चलाने बोली ना वो चलाई, तो देख उसने सिर्फ मेरा नाम ली, औकात की नहीं, तो हाँ वो ना देख तेरे लेवल की, वो भी दो लाइन खींचती है, ठीक है, और जो है मेरे पापा जी की रखेल वो भी दो लाइन खींचती है ना, तो वो भी बग 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 उसकी आग देखी क्या, बात करने के टाइम पे इतना बुरा बांधती है, ऐसा बात करती हो, ऐसा हिम्मत नहीं है उसमें मुंह खोल के बात करने की, क्योंकि वो बोलते ना कामाड़ा पूरा, तो वो उधर वाला जो है ना उसके उधर, हाँ कामाड़ी पूरा बोलने भी नहीं आता मुझे, तो वो जो है ना तो वहाँ की है, वो मैंने सुनी हूँ ट्रक वाले लोग जो 200-200 रुपए में ना, 200-200 रुपए में उसको लेकर जाते किधर किधर मालूम नहीं, मैंने उसने खुद मुझे बोली थी ये बातें कि मुझे ट्रक वाले 200-200 रुपया देते हैं, ऐसा दीदी प्लीज मेरी आईडी का प्रमोट कर दो ना अगर चल ठीक है, मैंने नहीं की प्रमोट, तो देख उसने क्या करी, मेरे को गलत बोलने लगी, तो मैंने उसकी धजिया फिर जो उड़ाई, और सच बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती है ना। अब तेरे बच्चों की, तू बच्चे लोग पे आती है ना, तो तेरे बच्चे लोग की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखी हुई है, जो कि तेरी खुद की बेटी बोल रही है कि वो मेरी माँ है, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं है, वो कोई एक गंदे आदमी के साथ रहती है। हाँ बहुत सारी तेरी हमारे पास में वीडियोस भी है, फोटोज भी है, और बोलूँ तो तेरे को वॉइस भी है, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन क्या है ना, मैं चुप बैठी तो मेरे को उंगली कर रही है, तो तेरे को बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, है ना, बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे को सब लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, वो एक धंधे वाली है जो औरत, जो तुम्हारे लिए वो बोल रही है ना भाभी, तो तुम उसको भाव मत दो, वो भोगती है। अभी देखो उसकी खाली 1500 वीडियोस जाते थे, ठीक है, अभी वो तुम्हारा नाम ले रही थे, 3000 वीडियो जा रहे कि कटेली बहुत अच्छी है, कटेली ऐसी औरत नहीं है, ये जो बोल रही है खुद ही है, वो है वो उसके साथ में जो आदमी बैठा है वो लोग ही है, वो है कटेली नहीं है, कटेली बहुत अच्छी है, कटेली बहुत अच्छी है, वैसा बोल रही है ना, तो कटेली की सपोर्ट क्यों कर रही है बताए, वो क्योंकि कटेली की कैटेगरी की है ना, उसको कैटेगरी भी बोले ना, कैटेगरी ऐसा बोल रही, अरे कैटेगरी सीख तो ले, उसकी लैंग्वेज में थोड़ा बताना। हाँ उसके नहीं, उसके बारे में मुझे अभी, मेरे को क्या है ना, सब लोग सच्ची बोल रही हूँ, मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं उसका नाम भी मत लो, उसका नाम ही मत लो बोल रहे, क्यों पता है, क्योंकि वो मेरे नाम की व्यू खा रही है, मेरे बच्चों की, मेरी मेरे हस्बैंड की पॉटी खा रही है, जो पॉटी होती है हम चारों की 4 किलो की पॉटी, ये औरत को खाना पसंद है, लेकिन बहुत दूर वो दूर रहती है, और तू खाएगी कैसा, क्योंकि तू सुबह शाम ट्रक वाले के पास जा जाके जो तेरे को गंदी वाली बीमारी हुई है। और सुन जो भाई के लिए तू बोल रही थी ना, तो भाई ने भी तुझे पैसे दिया था कितनी इलाज करने के लिए, दिया था क्या, नहीं सही बोल, अब देखो सब गलत लग रहे हैं, सब यूट्यूबर लोगों को तू गलत बोल रही है, सेम इसकी तरह ही कर रही है तू, क्योंकि चला रही देखो ये है ना, देखो क्या लगा, छोड़ दूंगी अब तेरा और पापा जी का निकाह, फिक्स एकदम वाला फिक्स। और देख तू पहले धंधे वाली, दूसरे धंधे वाली, वो धंधे वाली कौन सी, जो वो पूरा लगा के बैठती है मुंह पे, है ना, क्यों पता है, वो अपना मुंह नहीं दिखाती, तू पहले बाल से मुंह ढकती थी, और ये देख अपना ना छिंदी से मुंह ढकती, और हम लोग जैसे खुले खुले आकर बैठे है ना, एकदम ओपन ओपन, क्यों, क्योंकि हमको डर नहीं है, हम किधर कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं। तो और एक है जो अपना मुंह छुपा के बात करती है, वो भी इंडियन की है, मैंने सुनी कि वो भी उसको छला रही है पीठ पीछे, तो अभी तक मेरे को कुछ ऐसा मतलब ये बातें मिली नहीं है, ये क्लियर नहीं हुई है बातें, इंशाल्लाह ये क्लियर होगी ना, उसकी भी सारी सच्चाई बताऊंगी। एक बात मेरे को बताने का है, टेंशन मत लो, तुम लोग सबके नंबर है, सबका CDR निकलेगा,
जो भी यहाँ से इंडिया में बैठ के पाकिस्तान में बात कर रहा है सबका निकलेगा, सबका लगेगा और ऐसा बजेगा क्या तुम्हारी पुष्टे भी याद रखेगी ऐसा बजेगा। टेंशन हाँ, राइट राइट जा जाने का तुम्हारे नंबर के साथ चला और गया तो है। जलन कितनी है रे, मैं हंसती हूँ तो देखो जलन कितनी है रे, बुरके नकाब वाली तू कितना मेरे पे जलती यार, तू नॉस पीस बांध के तू मेरे से इतना जलती है। अरे तेरे में हिम्मत है, तू भी अपना मुंह खोल और हंसना, क्यों खाली ट्रक वाले खाली ट्रक वाले को अपना मुंह दिखाएगी क्या? और क्या रे तू छोटे छोटे बच्चों को तू भी इसके साथ लाइन खींच के छोटे छोटे बच्चों को गलत बोलती है। देख गलत मत बोल, पब्लिक पूरी जानती है और माशाल्लाह मैं अपनी पूरी फैमिली दिखाती हूँ, मेरे दो बच्चे, मैं, मेरा हस्बैंड, सारी चीजें दिखाती हूँ। तू को अपनी फैमिली क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि तू गलत है। और हाँ टेंशन मत लो यार, वो बच्चों के लिए बोलने दो या मैं किसके मम्मी मम्मी के लिए बोलने दे या पापा जी किसके लिए भी बोलने दो, मैं टेंशन नहीं लेती, टेंशन वो लोग लेते। क्यों? क्योंकि वो लोग है, जब मैं लोगों को बोलती थी ट्रक वाले के पास जाती है, वो जो बांधती है मुंह अपना वो ट्रक वाले के पास जाती है, तो वो सच्ची में जाती है। जब तो वो चिढ़ती है, चिढ़ के वीडियो बनाती है। दूसरी बात, वो जो लाइन खींचती है वो उसको चलाती है, तब अभी उसकी आगे मैं सच्चाई बताऊंगी तो उसको थोड़ा तो दर्द आएगा ना कि अरे ये तो मेरे बॉस के लिए बोल रही है, मुझे थोड़ा तो चुप बैठना पड़ेगा। तेरी बच्ची का जो तू है ना, बच्ची को पूरा देख कैसा हालत बना के रखी है ना तेरी बच्ची, ऐसा जो डीपी पे लगा के रखी है वो बच्ची को ना, इतनी सी उम्र में तू क्या क्या कराती है ना, वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगी और वो बाकायदा फोटो के साथ ही बताऊंगी, टेंशन मत ले। और उतनी ताकत मैं रखती हूँ फोटो डालने की। और तू कह रही इसकी उसके बच्चों की फोटो ले लेके लगा के तू कुछ भी जो तेरे बच्चे के साथ में जो हादसा हो रहा है वो मेरे बच्चों के लिए हो रही है, नहीं गलत बात। मैं रोज लाइफ पे आती हूँ, रोज मैं अपने बैठ के बातें करती हूँ, है ना, खुशी खुशी। तो देख तेरा भी तू इतना सुन ले और बहुत फुदक मत, तू बार 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 आके बोलती थी ना, तो भाई साहब ने तेरे से बात कर लिए, भाई साहब ने बोले कहाँ है तेरा वो ये क्या रे, रोज रोज आके अपने चैनल पे बैठ के ये वो बोलती। 4 साल तो तू एक औरत को उल्लू बनाई जो कि सारा सत्ता नहीं आ पा, उसको गलत गलत बोली, तेरे साथ में वो हराम खोरनी पापा जी की रखेल जो है बांधने वाली, ठीक है, तो उसने भी पापा जी को अपनी ओपन ओपन, मतलब तुम लोग दोनों ने मिलकर पापा जी का घर टुड़ा दिए, मेरी आपा जान को दूर कर दिए, तो भी तुम लोग का दिल नहीं भरा, फिर भी तुम लोग बोले जा रहे हो ठीक है ना, ये सिर्फ वीडियो अभी तुम देख लो, ठीक है, चले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो फिर मैं मिलती हूँ कल इंशाल्लाह, कल लाइव जरूर आऊंगी तो आप लोग से बात करूंगी, ठीक है, तो चलो फिर अल्लाह हाफिज़।